जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, वहां से सर लाखों डॉलर पौंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। ये जो निजर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, जो एनआईए या पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। अब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। तो सर इसी तरीके से ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे, उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निजर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया और ये कहा गया वहां पे एक, मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनेडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर जो एनआईए या पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा, उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं नान लेवा, लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है और वहां से सर लाखों डॉलर पौंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो आधा परसेंट लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर उनका, कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भाई, ट्रूडो को उनकी पार्टी को जाके कहें आप, अगर क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है उन्होंने पढ़ाने के लिए, वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया, कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी पीआर होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ हमें बताएं, अगर भाई अगर आपका जहाज खराब हो गया यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया था सर, 2018 में जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था उनका। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही, सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी अब भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। हर एक आगे एक, आगे बढ़िए। एक बात सर, आखिर सर एक बात और सर, एक जब भी सिखों को क्यों बीच में लेके आते हैं, जब सर अगर उनको वो कहें कोई कनेडियन उनका, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसे वाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ और वो कहां बैठा है? वो कनेडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है,
वो सारे के सारे गैंगस्टर कनेडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग है वो इस देश के साथ है और अमन पसंद है। ये सिर्फ आधा परसेंट जो आधा परसेंट लोग हैं, 99.5% जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है, चाहे G20 हो चाहे कोई और हो। उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है भी, टेररिज्म को कंट्रोल करना है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं।